नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति। शुरुआत करते हैं आपनो झालावाड़ आपनो मालवा में आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी में अब महिलाओं के सिर के बालों की बिक्री भी शुरू हो गई है। जिन सिर के बालों को अभी तक महिलाएं कूड़े में फेंकती आई है, उन बालों की खरीदी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन दिनों भवानी मंडी में कुछ फेरी वाले अनाउंसमेंट करते हुए महिलाओं के सिर के बालों को खरीद रहे हैं, जो कि आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बालों के बदले में रुपये, जीरा, चीनी के मग, कटोरी आदि सामान भी दिए जा रहे हैं। फेरी विक्रेता ने बताया कि वे बालों को 1000 रुपये किलो तक महिलाओं से खरीद कर उसके बदले में घरेलू सामान, घरेलू उपयोग के सामान अथवा नगद रुपए दे रहे हैं। वे बचपन से ही इस काम को करते आ रहे हैं। उनकी पूरी टीम भवानी मंडी से रतलाम, मंदसौर, प्रतापगढ़ तक बालों की खरीदी के लिए जाती है। महिलाएं काफी संख्या में बालों को बेचने के लिए आती है, जिससे आराम से उनके घर का गुजारा हो जाता है। कहाँ के रहने वाले? गाँव है घाट का बराना। ये बाइक पे क्या का, क्या बेचते हो आप? जीरा बेचते, जीरा कप, मंगा, गिलास, कटोरी। तो इसके बदले में क्या लेते हो? बाल लेते। किसके बाल लेते हो? लेडीज के, मतलब महिलाओं के बाल लेते हो। तो उन बालों का क्या करते हैं? हम भी बेचते, आगे हम भी मॉल खरीद लेते, आगे हम बेच देते नरे व्यापारी। तो बाल देती है महिलाएं? देती है ना बाल। कितने समय से कर रहे हो ये काम? बचपन से, छोटे हो गया बड़ा हो गया काम करता, 20 साल की। तो बाल क्या रुपए किलो में लेते हो? 1000 रुपए किलो में। 1000 रुपए किलो में बाल लेते हो, और उनके बदले में क्या देते हो? जीरा भी दे देते, पैसे भी दे देते, कटोरी भी दे देते, मंगा भी दे देते, चाय चटनी ये सब आइटम दे देते, मंगा, कटोरिया, गिलास। जीवन यापन हो जाता है अपना? हाँ हो जाता है, मजदूरी पक जाती है, 400 रुपये घर चल जाता है। चल जाता है सर। तो अभी भवानी मंडी में सब जगह जाते हो? सब जगह, रतलाम, रतलाम की प्रतापगढ़ सब घूमते, मंदसौर सब जगह जाते हो। तो आराम से आप अनाउंस करते होंगे तो बाल दे देती होगी। भवानी मंडी में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिभाषक परिषद की सामान्य बैठक में वर्ष 2021 के लिए सर्वसम्मति से विधान चंद्र भटनागर को लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुना गया। वहीं कार्यकारिणी में महासचिव पद पर सचिन राजावत, उपाध्यक्ष पद पर अजहर हुसैन अंसारी, कोषाध्यक्ष पद पर राजेश गुप्ता व पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर इंद्र सिंह लोर को भी निर्विरोध चुना गया। आपकी जानकारी दो। आज विशेष 2021 के लिए बार एसोसिएशन भवानी मंडी के सभी अध्यक्षता बंधुओं की सहमति से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दोबारा से विधानचंद जी भटनागर को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और अजहर हुसैन जी को उपाध्यक्ष, सचिन जी राजावत महासचिव और राजेश जी गुप्ता कोषाध्यक्ष, इंद्र सिंह जी लोअर को सहसचिव, सर्वसम्मति से सभी बार के सदस्यों ने मीटिंग करके आज नियुक्त किया। पचपाड़ में महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है। संस्थान निदेशक अमीन मंसूरी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संस्थान में निशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें 10वीं पास 16 से 40 वर्ष उम्र तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 है। भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ के द्वारा मंगलवार को पचपाड़ तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह पवार की अगुवाई में आंशिक धरना दिया गया, जिसमें खरीफ 2020 की फसलों में पीलापन व कई प्रकार के रोग लगने के कारण किसानों की संपूर्ण फसलें खराब हो गई है। फिर भी किसानों के हित में शासन और प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया और न ही अभी तक प्राकृतिक आपदा राहत की राशि व प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित हुई है। बिजली के बिलों की दर में डबल वसूली की जा रही है, इसलिए किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर भारतीय किसान संघ ने भवानी मंडी, कृषि उपज मंडी में क्षेत्र के सैकड़ों किसान
मंडी में एकत्रित होकर अपने मांग को मंगवाने के लिए आंशिक धरना प्रदर्शन कर कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को तहसील कार्यालय पर एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा और ये मांग की है कि किसानों की मांगों का अतिशीघ्र निस्तारण नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ अपनी आगामी योजना जिला मुख्यालय झालावाड़ पर तय करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रहेगी। पिड़ावा में आरोपी को सजा दिलवाकर फरियादी को राहत देना तो दूर, पुलिस तो आरोपी को सही धाराओं में गिरफ्तार कर पेश तक नहीं कर रही। ऐसा ही एक मामला साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को देखने को मिला। दरअसल पिड़ावा की रहने वाली 55 वर्षीय हसीना बी पर जमीन की रंजिश में उनके जेठ के बेटे अनीस ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला इतना संगीन था कि हसीना बी के दोनों पैर, एक हाथ की उंगलियां टूट गई और शरीर पर भी अन्य जगह पर भी धारदार हथियारों के घाव मिले। लेकिन यह जितना संगीन हमला था, पुलिस ने आरोपी अनीस को उतनी संगीन धाराओं में गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने एक दो दिन बाद आरोपी अनीस को 107, 151 शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर एसडीएम के सामने पेश कर दिया, जहां से अनीस को 50,000 के जमानती मुचलके पर छोड़ दिया गया। मेरी मां हसीना बी के ऊपर जान से मारने की कोशिश करी है, पुलिस ने उनसे पैसे खलिए गए हैं और उन्हें सिर्फ शांति भंग के आरोप में उन्हें छोड़ दिया गया है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस में यहीं तक सीमित नहीं रही, जमानत करवा दी कि पुलिस ने उनकी? हाँ, जमानत करा दी उनकी, उन्हें छोड़ दिया गया है। और हमारी सबकी गैर मौजूदगी में रात्रि में मेरे भाई हनीफ की जमीन को भी हकवा दिया गया है। हम परेशान हाल है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस थाने में जाते हैं तो हमें डांट के भगा देते हैं कि जाओ भी तुम्हारे कागज को। अकलेरा में भालता थाना क्षेत्र के सरड़ा गांव में बिजली का करंट लगने से दो युवक झुलस गए। परिजन व ग्रामीण मिलकर दोनों युवकों को अकलेरा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है। मृतक शहीद के भाई अशफाक अली ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मृतक की उम्र करीब 27 वर्ष व राजाराम राठौर दोनों कृषि कार्य करने के लिए खेत पर गए हुए थे। सरसों को पानी पिलाने के दौरान मृतक को मोटर चालू करते समय करंट लग गया। उसे बचाने के लिए पास में काम कर रहे राजाराम ने बचाने का प्रयास किया, जिसमें उसको भी करंट लग गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण व परिजन दोनों को अस्पताल में लेकर आए, जहां इलाज के दौरान शहीद की मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बिजली के करंट से चिपकने के बाद दोनों युवकों को अस्पताल तक पहुंचाने में पूर्व सरपंच मनोहर सिंह तंवर ने मदद की। पिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुमास, काली तलाई, बानोर, सालरी, दिवलखेड़ा, सोयला में विकास अधिकारी हनुमान मीणा ने नरेगा के तहत प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान नरेगा कार्यों में नियोजित 616 में से 303 श्रमिक अनुपस्थित मिले। वीडियो मीणा ने बताया कि बानोर के रूपारेल में चल रहे मॉडल तालाब निर्माण में नियोजित 115 में से 69 श्रमिक उपस्थित मिले। काली तलाई के भंडार में पुरानी तलाई गहरीकरण कार्य में 114 में से 40 श्रमिक मौके पर मिले। वहीं सुवास में पुरानी तलाई गहरीकरण 61 में से 35 श्रमिक उपस्थित मिले। सालरी में पुराना तालाब गहरीकरण में 106 में से 50 श्रमिक उपस्थित पाए गए, जबकि नवीन तालाब निर्माण में 72 में से 31 श्रमिक मौके पर मिले। सेमली खाम में पुराना तालाब गहरीकरण में 40 में से 33 श्रमिक मिले। सालरी में पुराना तालाब गहरीकरण में नियोजित 118 में से 55 श्रमिक उपस्थित मिले। इस दौरान बीडीओ मीणा ने मेट को कार्यालय स्तर पर आवश्यक सुविधाएं एवं कोविड-19 की पालना कराने एवं कार्य से पूर्व का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। डग पंचायत समिति की कछनारा ग्राम पंचायत के ढाबला गांव में गांव के बीच सड़क व नालियां नहीं होने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ महिलाएं, बच्चों व आमजन का निकलना दुश्वार हो रहा है। आए दिन कीचड़ गंदगी से ग्रामवासी परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से ढाबला व सेकला गांव पर विकास कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ग्रामवासी परेशान हैं। यहां महिलाओं को पानी भरने व ग्रामवासियों को निकलने में परेशानी हो रही है। करीब 2 फीट कीचड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से समस्या गंभीर बनती जा रही है तथा मौसमी बीमारियां भी दस्तक दे रही है। समय रहते सड़क व नालियां नहीं बनाई गई तो और बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। बाबूलाल गायरी है, डाबला रहता हूँ। मेरे घर के पास ही ये पानी इतना भरा है, मेन रोड बोरखेड़ी वाला रास्ता है। इनमें क्या है, कोई लोग गए और था कोई भी, मतलब थोड़ा होता भी निकली सके ना, चंपला होता आता है दशरिया में घोड़ा घोड़ा मेरा ये पानी पहुंचा ना अभी। तो सरपंच साहब खाली 25 फीट रोड कर जो बंद कर चुके, अरे बंद बंद मारे जेसीबी हम उन्हें करता नहीं, मारे गटरा में नहीं दिया था वो फिर हम क्यों कराए, और जेसीबी फेरने मारे सबके तो परेशानी बांटे अभी।
मैं निकले ही नहीं हूँ यहाँ। समस्या आ रही है, यह समस्या हो रही है हमारी। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ? कीचड़ गूंद रहा, हमारा नारी नहीं है, हमारे गांव में कोई नहीं है, हमें खड्डा में पड़िया। अच्छा, तो यहाँ समस्या आ रही है आने जाने में? आने जाने में घनी समस्या वही रही। माँ कह के तो काम चला था, फिर बंद हो गया? बंद वही हो, काम कहीं काम तो रुकी हो जहाँ कुछ। पिड़ावा नगर के वार्ड नंबर 13 दलेलपुरा में एक पागल बंदर ने एक बच्ची को घायल कर दिया। बंदर के उत्पात से परेशान लोगों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार व नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा। बंदर ने सुबह एक 2.5 साल की मासूम बच्ची लविशा पुत्री मुकेश गायरी पर हमला कर दिया। बंदर के हमले में बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची का परिजनों ने निजी अस्पताल में उपचार करवाया, जिसके बाद वार्ड वासियों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोग घायल बच्ची को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार व नायब तहसीलदार को घायल बालिका की हालत बताई, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार व नगर पालिका में आवारा बंदर को पकड़ने की मांग की। लाइफल में मिला कोरोना पॉजिटिव। सरपंच अर्जुन कुमार सुमन ने बताया कि सोमवार रात आई रिपोर्ट में लाइफल निवासी बिरधिला सुमन झालावाड़ अस्पताल में कई दिनों से तबीयत खराब होने से भरते थे, लेकिन सोमवार रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंगलवार सुबह सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत प्रशासन अलर्ट हो गया और परिवार के लोगों को सावधानी बरतने व घर पर मास्क लगाए रखने की जानकारी दी। ग्राम पंचायत प्रशासन में ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद गोड़, पटवारी रिंकू मीणा, ANM मीना चावला, आशा सहयोगिनी गायत्री देवी सुमन, वार्ड पंच नंद किशोर सुमन आदि उपस्थित रहे। पनवार क्षेत्र के खेड़ा गांव में स्वर्गीय RTA कार्यकर्ता बिरधीलाल नागर कंपाउंडर की चतुर्थ पुण्यतिथि पर मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इससे पूर्व स्वर्गीय बिरधीलाल नागर की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर में आसपास के लोगों ने गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झालावाड़ SRG अस्पताल से आई मेडिकल टीम ने डॉक्टर मयंक दोषी, डॉक्टर वर्षा दया, लैब टेक्नीशियन गोपाल गिरराज ने शिविर में 60 यूनिट रक्त संग्रह किया। कार्यक्रम में यूथ एक्शन फोर्स सोसाइटी के संभागीय अध्यक्ष नीरज सिंह, सदस्य गिरिराज मेघवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य गायत्री प्रसाद बोहरा, पूर्व सरपंच गोवर्धन नागर, रामविलास नागर, संजय नागर, रामेश्वर नागर सहित कई लोगों ने भाग लिया। आवर कस्बे के निकट आहू नदी एवं क्यासरी नदी पर हाई लेवल पुलिया का निर्माण कार्य 1.5 वर्ष से बंद होने के कारण राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला महामंत्री राम गोपाल व्यास के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे आहू नदी की पुलिया पर झालावाड़ प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली का पुतला बनाकर फूका एवं मुख्यमंत्री के नाम ASI बने सिंह थाना पगारिया को ज्ञापन दिया एवं हाई लेवल पुलिया का निर्माण शीघ्र चालू करने एवं किसानों की फसल बीमा एवं अन्य समस्याओं को भी हल करने की मांग की। किसानों ने प्रभारी मंत्री की शव यात्रा निकालकर आहू नदी पर ले जाकर प्रभारी मंत्री का पुतला जलाया। कनवास SDM राजेश डागा को प्रार्थी राम कल्याण पुत्र राम नारायण जाति धाकड़ निवासी बाचीहेड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी के पुत्र सुरेश व रतन द्वारा उनकी 5 बीघा भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं एवं उन्हें भरण पोषण व स्वास्थ्य के लिए कोई सहायता नहीं कर रहा। प्रार्थी वृद्ध दंपत्ति है, बस उम्र में भी खेती व मेहनत मजदूरी करना संभव नहीं है। प्रार्थी के प्रकरण को SDM राजेश डागा द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज कर प्रार्थी के दोनों पुत्रों को दूरभाष से न्यायालय में उपस्थित होने बाबत पाबंद किया गया। दूरभाष पर सूचना मिलने पर प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रकरण में SDM द्वारा सुनवाई करते हुए अप्रार्थी से समझाइश की गई कि प्रार्थी आपके पिता हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग हैं एवं वर्तमान की स्थिति में उनके द्वारा खेती या अन्य मजदूरी किया जाना संभव नहीं है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा गौर कर अपने पिता को 5 बीघा भूमि के बदले इस वर्ष के 40,000 रुपये व आगामी प्रत्येक माह से 2,000 रुपये देने की बात पर सहमत होकर स्वीकार की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा भी सहमत होकर न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कनवास SDM राजेश डागा की समझाइश से हुआ विवादित रास्ते का खुलासा। प्रार्थीगण फरत परवेज पुत्र इशाक मोहम्मद द्वारा उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थीगण अपने सह खातेदारन के साथ खसरा नंबर 1044, 1043, 1041 व 1042 ग्राम देवली में स्थित है, जिसका रास्ता अप्रार्थी मांगीलाल मेघवाल के खेत से खसरा नंबर 1038 से होकर जाता है, जो कि पूर्व से प्रचलित रास्ता है। दोनों पक्षकारों द्वारा एक दूसरे की बात पर सहमत होकर व कनवास SDM राजेश डागा की समझाइश पर विवादित रास्ते का निस्तारण किया गया। शुरुआत करते हैं मालवा क्षेत्र की खबरों की।
भानपुरा गरोठ क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने मंगलवार को भानपुरा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया एवं हाजिर रजिस्टर सहित अन्य व्यवस्थाओं को परखा और लापरवाही पर जिम्मेदारों की खबर ली। धाकड़ ने हाजिरी रजिस्टर में साइन नहीं करने वाले कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं धाकड़ ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित नियमों पर अस्पताल में उपस्थिति दें और सेवा भार के साथ कार्य करें। जिम्मेदारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धाकड़ ने विभिन्न वार्डों का भी अवलोकन किया और साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। मंदसौर जिले के सुवासरा थाने के थाना प्रभारी रमेश चंद्र गोड़ का 28 दिसंबर को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया गया था। उपचार के दौरान 3 जनवरी को कोरोना से लड़ते लड़ते उनका निधन हो गया था, जिनके सुवासरा के सभी पत्रकार, सुवासरा नगर परिषद स्टाफ और सुवासरा तहसीलदार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुवासरा थाना प्रभारी आरसी गोड़ को 2 मिनट का मौन रखकर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दुखद घड़ी में संबोधित करते हुए सुवासरा तहसीलदार ने कहा कि वह बहुत अच्छे आदमी थे और उनकी कमी हमेशा सुवासरा थाने में रहेगी, जिसमें गोपाल टेलर, मोहन नाथ, बीएल गुप्ता, शंकर बामनिया, श्यामा टेला, पंकज बेरागी और सभी पत्रकार उपस्थित रहे। में आज हमारे बीच बोर्ड एआई साहब जो थे उनका दुखद निधन हुआ। इस कारण हम आज नगर परिषद में हमारे द्वारा श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। इस कारण हम लोग भी कट करते सर, सभी तो हुए, सभी लोगों ने बारी बारी से नगर परिषद में टीआई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी यही कामना करते कि टीआई साहब की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। आज कैसा लग रहा सर, जो आज अपने बीच में नहीं रहे टी आई साहब? टी आई साहब की अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये काफ़ी हमारे बीच में दुखद विषय है कि कोविड-19 में वो उनका दुखद निधन हुआ। बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए जो शायद कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मंदसौर में कोविड बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मच गया है। नगरपालिका द्वारा शहर में सभी चिकन व अंडे की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। नगरपालिका मुख्य अधिकारी पी के सुमन ने बताया कि मंदसौर में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर इलाके में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में सभी चिकन व अंडे की दुकानों को आगामी 15 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। सुबह से ही नगरपालिका अमला शहर में चिकन की दुकानों को बंद करने निकल गया और दुकानदारों को नोटिस देकर चिकन की दुकानें बंद करवाई जा रही है। सर, बर्ड फ्लू के पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या तैयारियां हैं? जैसा कि कल इसकी पुष्टि हुई है जांच में कि बर्ड फ्लू जो है वो मंदसौर के उसमें पाया गया है, तो उसके लिए डीएम साहब के द्वारा कल ही हम लोगों को निर्देशित कर दिया गया था कि जो कोर्ट वाला एरिया है उस एरिए का स्पेशली जो है वो सैनिटाइजेशन दोनों वक्त किया जाए, विशेष सफाई अभियान चला जाए और आसपास के क्षेत्रों की जो दुकानें हैं चिकन और अंडे की, उनको जो है आगामी 15 दिवस के लिए जो है वो बंद कराया जाए। तो उस तारतम्य में हमारे द्वारा जो है वो नियमित रूप से जो है वो सफाई प्रारंभ कर दी गई है, सैनिटाइज भी प्रारंभ कर दिया गया उस एरिया का और जो अंडा और चिकन की दुकानें हैं उनको बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। श्यामगढ़ निवासी 20 वर्ष के एक युवक ने अपनी स्कूटी से डोनी पोलो उद्योग से कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास अपनी स्कूटी खड़ी करने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। जैसे ही रेलवे पुलिया को पता चला तो रेलवे विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मृतक अज्ञात युवक द्वारा की गई आत्महत्या में युवक की पहचान की गई। युवक श्यामगढ़ निवासी निकला। युवक की पहचान कर मृतक युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आज के समाचारों फिलहाल इतना ही। खबर 24 न्यूज पिछले 5 वर्षों से अपनी सेवाएं लगातार देता आ रहा है। अगर आप भी खबर 24 न्यूज से जुड़ना चाहते हैं और अपनी समाचार खबर 24 न्यूज के नाम से प्रेषित करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबर पर अपने समाचार भेज सकते हैं। आज के समाचारों फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। The
चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको चूर के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़, डॉक्टर के पाटीदार BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663। डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021। समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक सुन्न रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंचर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथ में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट, घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608, 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हमारा पता है नीम चौक मेन रोड श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 09406686663। रॉयल रेजिडेंसी विला का शुभारंभ अतिशीघ्र आपके शहर में। प्रोपराइटर राजा बाबू, जिनका मोबाइल नंबर है 9602343388। अजय चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9414489343। हमारा पता है शिवधाम आवासीय कॉलोनी, बाजोट रेस्टोरेंट के सामने, भवानी मंडी।
चौधरी ब्रदर्स, मेला मैदान के पीछे भवानी मंडी। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर दीपक वाधवा, न्यूरोसर्जन, कोटा हार्ट एवं श्रीजी हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे रविवार। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, अस्थि रोग एवं ऑर्थोस्कोपी, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजने ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा, डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल, प्रसूति स्त्री रोग एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजने ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा, डॉक्टर सुभाष जैन, बाल रोग विशेषज्ञ, अहमदाबाद से ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध, डॉक्टर विनीत जैन, नाक कान एवं गला रोग सर्जन, महावीर ईएनटी हॉस्पिटल कोटा, कानों से कम सुनने वालों की जांच एवं मशीनों की पूर्ण व्यवस्था हर सप्ताह, माह के प्रत्येक पहले व तीसरे रविवार। डॉक्टर अभिनव सोनी, स्पाइन सर्जन, पूर्वानुभव मुख्य स्पाइन सर्जन, मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर, मेवाड़ हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे बुधवार। डॉक्टर सुभाष चंद आर्य, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आकांक्षा ऑर्थोपेडिक सेंटर, मैत्री हॉस्पिटल एवं आयुष फिटनेस कोटा। दर्द से हताश रोगियों के लिए नई आशा। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते थक चुके हैं? क्या आप दवा खाते खाते परेशान हैं? तो निम्न रोगों का फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी व एक्सरसाइज IAS TM विदेशी तकनीक द्वारा बिना दुष्प्रभाव के इलाज। जोड़ों का दर्द व गठिया, कोहनी में दर्द टेनिस एल्बो, एड़ी में दर्द प्लैंटर फैसिटिस, हाथ पैरों में कंपन एवं सूनापन, घुटने का दर्द ऑर्थोराइटिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, घुटने में दर्द एवं बढ़ते हुए वजन का इलाज साथ साथ, गर्दन में दर्द, जकड़न, चक्कर आना, फ्रैक्चर एवं सर्जरी के बाद जकड़न स्टिफनेस्टिस, मांसपेशियों में खिंचाव स्प्रेन स्ट्रेन, कंधों का जाम व दर्द फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट की चोट व दर्द, कमर में दर्द लो बैक पेन स्लिप डिस्क PIVD, चेहरे का लकवा फेसियल पॉल्सी, पार्किंसंस, लिखते समय हाथ का कांपना, प्रेगनेंसी के पहले और बाद फिजियोथेरेपी, साइटिका कमर से पंजे तक दर्द, लकवे का सफल इलाज, भौतिक चिकित्सा से तुरंत इलाज प्रारंभ करने पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ, THR एंड TKR घुटना प्रत्यारोपण के बाद घर पर भी फिजियोथेरेपी इलाज की सुविधा, भर्ती सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कंप्यूटराइज्ड लैबोरेटरी, मेडिकल स्टोर, डिजिटल एक्सरे, भवानी मंडी की डायबिटीज मरीजों के लिए प्रातः 6 बजे से सैंपल फास्टिंग की सुविधा उपलब्ध, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार की जांचों की सुविधा भी उपलब्ध। नोट, घर जाकर जांचों के सैंपल लेने तथा ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध। अन्नपूर्णा टेली हॉस्पिटल और टेम हेल्थ अ स्मार्ट क्लिनिक, गुजरात के अनुभवी एवं सुयोग्य चिकित्सा विशेषज्ञ आपके भवानी मंडी में, विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञ, डायबिटोलॉजिस्ट मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑनको फिजिशियन कैंसर रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी के विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के ज्ञान तंतु के विशेषज्ञ, ENT कान नाक गले के विशेषज्ञ, एंड्रोकिनोलॉजिस्ट अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि के विशेषज्ञ,
यूरोलॉजिस्ट, किडनी और मूत्र मार्ग के विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन, हाई ब्लड प्रेशर आदि विभिन्न रोग विशेषज्ञ, ईसीजी, कार्डियोग्राफ की विशेष सुविधा भी यहां उपलब्ध है। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर नवीन नागर, पीटी, भवानी मंडी में महिलाओं हेतु एकमात्र स्लिमिंग सेंटर, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा व्यायाम एवं डाइट प्लान द्वारा वजन को नियंत्रित कर कम करना, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, विशेष कैविटेशन मशीन द्वारा कमर की साइज मात्र 7 दिनों में 2 इंच कम करना, समय प्रातः 9 बजे से साय 9 बजे तक। हमारा मोबाइल नंबर है 9636257606, 8094776606। हमारे यहाँ अन्य उपलब्ध मशीनें ट्विस्टर एंड डंबल, बॉडी शेयर, डीप हीट, ट्रेडमिल, वॉकर, वैक्यूम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल, हमारा पता है मगन भाई कॉलोनी, ज्ञान मंदिर सिनेमा रोड, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9636257606, 8094776606। भवानी मंडी नगर में पहली बार क्वालिटी युक्त इंदौर व जयपुर की रेंज, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड करावन वाले, सफलता के 7 वर्ष पूर्ण, ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि, मकान व फर्नीचर की डिजाइन, मटेरियल सहित कार्य, कम रेट में इंजीनियर, फर्नीचर, डोर एंड विंडो फिटिंग, मॉड्यूलर किचन एसेसरीज, चिमनी, चूल्हा, पेलमेट, पर्दा फिटिंग, कोरियन, टिक प्लाई, वीनियर्स, शटिंग प्लाई, एमडीएफ, ब्लॉक बोर्ड एंड फ्लश डोर एवं डब्ल्यूपीसी बोर्ड, चारकोल शीट एवं बिडिंग, सभी प्रकार के टिम्बर आइटम्स, प्लाई एवं फर्नीचर की विशाल श्रृंखला, हार्डवेयर एंड प्लाई से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद से पहले हमारे यहाँ सामान की क्वालिटी एवं दाम की तुलना करने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता है जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, पावर हाउस रोड, भारत गैस एजेंसी के पास, करावन वाले, भवानी मंडी। हमारा मोबाइल नंबर है 9955007040, 9602223022। भवानी मंडी।